परिशिष्ट। उत्तर अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने मैक्सिकन ट्रेटा नामक गुफा में रहने वाली मछलियों पर शोध किया है। गुफा में मछलियां कैसे पहुंची होंगी? इसके लिए शोधकर्ताओं ने यह परिकल्पना बनाई कि जब गुफा के पास बहने वाली नदियों में आई बाढ़ के पानी ने गुफा में प्रवेश किया होगा, तभी इन मछलियों के पूर्वज भी गुफा के पानी में आ गए होंगे। इस प्रकार उनको नए वातावरण का सामना करना पड़ा होगा। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले गुफा व बाहर के पानी के तापमान, पीएच व घुलित ऑक्सीजन आदि में पाए जाने वाले अंतरों का पता करने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि सबसे बड़ा अंतर पानी के खारेपन का था। बाहर के पानी की तुलना में गुफा के पानी का खारापन काफी कम था। इसके आधार पर प्रयोगशाला में इन वैज्ञानिकों ने गुफा में पाए जाने वाले पानी एवं वातावरण जैसी परिस्थितियों का निर्माण किया। इसमें बाहर की मछलियों के भ्रूणों को पाला। इस नए वातावरण में पली मछलियों की आंखों के आकार में काफी विविधता दिखाई दी। कुछ मछलियों की आंखें बहुत ही बड़ी थी और कुछ की बहुत ही छोटी। जब छोटी आंखों वाली मछलियों का अलग से प्रजनन कराया गया तो उन्होंने देखा कि ये छोटी आंखों वाला लक्षण उनकी संतान में भी था। ऐसा नहीं था कि मछलियों की आंखों के आकार में पहले कोई विविधता नहीं रही होगी, लेकिन एकदम अलग व नए वातावरण में आने के कारण विविधता काफी अधिक दिखने लगी।